हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ये जो कॉन्सेप्ट है TR, AR और MR, इनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले उसमें हम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में डिस्कस करेंगे। अब बात यहाँ पर मार्केट की क्यों आ रही है, तो रेवेन्यू जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली सेलिंग से रिलेटेड है। जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है फर्म के अंदर जब वो मार्केट के अंदर जाकर सेल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो होता है वो इक्वल होता है प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट। प्राइस ऑफ द आउटपुट है वो डिटरमाइन करता है टोटल रेवेन्यू को, और टोटल रेवेन्यू के थ्रू फिर हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू को फाइंड करते हैं। अब सपोज करते हैं कोई फर्म है, वो फर्म जो अपने आउटपुट को सेल करती है वो ऐसे मार्केट में सेल करती है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्राइस टेकर, कि ये जो मार्केट होती है यहाँ पर जो सेलर है वो अपने आप प्राइस को डिसाइड नहीं करता है, मार्केट जो होती है वो प्राइस को डिसाइड करती है, और जो फर्म है या जो प्रोड्यूसर है उसे वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसी प्राइस पर उसको अपने कमोडिटीज़ को सेल करना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट अ प्राइस मेकर। तो ये जो कंपटीशन होता है यहाँ पर प्राइस मेकर इसलिए बताया है कि जो सेलर है वो अपने आप प्राइस डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि इट टेक्स प्राइस एज गिवन। गिवन वाला है कि जो मार्केट में गिवन है वो प्राइस को उसे टेक करना पड़ता है। सो जो मार्केट प्राइस है कि जिसको प्राइस ऑफ आउटपुट कहते हैं वो इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू। ये हमने पहले डिस्कस किया है, प्राइस ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म। ये जो इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि इट कैन सेल एनी क्वान्टिटी एट द गिवन प्राइज और द गिवन AR। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो सेलर है या जो फर्म है उसे उस पर्टिकुलर प्राइज के ऊपर ही अपनी क्वान्टिटीज़ को सेल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन थोड़ा बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे एग्रीकल्चरल मार्केट्स होती हैं जिनको अनाज मंडी भी कहते हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स जहाँ पर सेल होती हैं, या फिर फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं तो फ्री सॉफ्टवेयर भी आपके परफेक्ट कंपटीशन में ही आ जाते हैं। जैसे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन अवेलेबल है, और स्ट्रीट फूड वेंडर्स, जैसे आपने देखा होंगे कि जो फूड वेंडर्स होते हैं वो मार्केट में डिफरेंट अपने स्टॉल्स लगाते हैं, चाट वगैरह के स्टॉल्स आपने देखे होंगे, तो वो भी एक एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का। लाइक ये जैसे एक वेजिटेबल मार्केट है, तो वेजिटेबल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो प्राइस होते हैं वो मार्केट डिसाइड करती है, और उन्हीं प्राइस पर जितने भी सेलर होते हैं उन्हें अपनी गुड्स को सेल करना पड़ता है। तो चलिए अब रिलेशन को डिस्कस करते हैं बिटवीन TR, AR एंड MR। तो हम एक एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्राइस है आउटपुट का, जिसको एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं, वो ₹10 है। मतलब एक आउटपुट जब सेल होता है या एक गुड्स जब सेल होता है मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो वो ₹10 का रेवेन्यू देता है फर्म को या सेलर को। सो गिवन दिस द AR, TR, MR शेड्यूल, तो इसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि जो हर एक जो आउटपुट सेल होगा मार्केट के अंदर वो ₹10 देगा। जैसे पहला आउटपुट सेल किया तो ₹10 मिल रहा है, दो आउटपुट सेल होंगे तो ₹20 मिलेगा टोटल रेवेन्यू, थ्री होंगे तो ₹30 मिलेगा टोटल रेवेन्यू, और फोर सेल होंगे तो ₹40 मिलेगा टोटल रेवेन्यू। क्योंकि हमें पता है TR इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट। तो ये हमारी जो टेबल है वो शो कर रही है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू को। जैसे मैंने आपको कहा था कि आउटपुट वन सेल हो रही है, यूनिट वन सेल हो रही है, तो जो एवरेज हर एक यूनिट का जो प्राइस है वो ₹10 है। तो उसके अकॉर्डिंग जब वन यूनिट सेल होती है तो प्राइस जो है वो ₹10 है, तो टोटल रेवेन्यू ₹10 हो जाता है। जब टू सेल होती है तो ₹20 हो जाता है, थ्री सेल होती है ₹30, क्योंकि TR का फॉर्मूला है AR मल्टीप्लाई क्यू
और पी जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें प्राइस इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू के। अब जो टोटल रेवेन्यू है इसी के अकॉर्डिंग हम मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर अगर आप देखेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है TRN - TRN-1। सो क्योंकि जब हम फर्स्ट यूनिट सेल कर रहे हैं तो उससे पहले हमारा टोटल रेवेन्यू ज़ीरो है, तो इस पॉइंट पर जो MR आएगा 10 - 0 वो 10 आ जाएगा। फिर अगेन 20, नेक्स्ट जो यूनिट, जब 2 यूनिट सेल हो रही है तो इस यूनिट पर टोटल रेवेन्यू 20 है और प्रीवियस यूनिट पर टोटल रेवेन्यू हमारा 10 था, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे इज़ आल्सो इक्वल टू 10। ऐसे ही हम हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिन रेवेन्यू जब फाइंड करते हैं तो वो 10 10 ही आएगा। और उसका रीज़न यही है कि जब हर एक जो एडिशनल यूनिट सेल हो रही है उसका प्राइस फिक्स है, ठीक है, तो जब हर एक एडिशनल यूनिट सेल हो रही है तो उसका प्राइस क्या है, फिक्स है। ये उसका रीज़न है कि मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि हमें पता है कि एडिशनल यूनिट सेल करने से जो रेवेन्यू में इंक्रीज़ होता है टोटल रेवेन्यू में वही मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 10 10 आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो TR बताया है कैसे फाइंड करना है, AR बताया है कैसे फाइंड करना है, ये इजी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस टेबल से हम ये कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर AR कांस्टेंट होता है। AR कांस्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि वो हर एक जो कमोडिटी के लिए जब भी 2 सेल हो रही है तब भी एवरेज रेवेन्यू या प्राइस 10 है, या 3 सेल हो रही है तब भी 10 है, 4 सेल हो रही है तब भी 10 है। तो जैसे हम ओपन मार्केट में भी जाते हैं और हमें अगर सपोज़ कुछ वेजिटेबल्स लेनी है तो हम 1 kg लेते हैं तब भी उसका प्राइस वही होता है, 2 kg लेते हैं तब भी प्राइस वही होता है। सो डैट इफ AR इज़ कॉन्स्टेंट, तो AR अगर कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल टू जाता है AR के, क्योंकि ये भी 10 10 है हर एक लेवल पर और मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 10 है। नाउ कुछ रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू जो टेबल हमने अभी डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो MR जो है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट जब सेल होता है उस कंडीशन में वो टोटल रेवेन्यू में एडिशन करते हैं। वेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ सोल्ड और प्रोड्यूस, जब एक यूनिट ऑफ आउटपुट को सोल्ड किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला यहाँ पर अगर आपको याद हो कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सबमिशन MR, वो फॉर्मूले को एक्चुअली डिस्क्राइब किया हुआ है। नंबर 2, इन केस प्राइस इज़ कॉन्स्टेंट, तो क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने पढ़ा है कि प्राइस जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो जो ये इम्प्लाई करता है कि AR जो है वो कांस्टेंट है बिकॉज जो प्राइस ऑफ आउटपुट है वो ही AR है। देन MR इज़ आल्सो कांस्टेंट, तो MR जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि हर एक कॉन्जिक्यूटिव जो यूनिट सेल होती है या प्रोड्यूस होती है तो वो इक्वल रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इसलिए AR जो होगा वो MR के इक्वल होगा। नंबर 3 इज़ कॉन्स्टेंट MR इम्प्लाइज़ कॉन्स्टेंट एडिशन टू TR, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वही चीज़ है। दिस इम्प्लाइज डैट TR विल इंक्रीज़ एट द कॉन्स्टेंट रेट, तो हम कह सकते हैं कि जो TR इंक्रीज़ हो रहा है वो कॉन्स्टेंट रेट से हो रहा है, जैसे पहले 10 है फिर 20 है फिर 30 40 और 50। इसका रीज़न क्या है कि हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर जो प्राइस ऑफ आउटपुट है वो सेम है 10 10 10, ये इसका रीज़न है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टेबल अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो डायग्रामेटिकली जो इलुस्ट्रेशन होगी AR, MR और TR की, वो टोटल रेवेन्यू जो कर्व बनेगा वो 45 डिग्री से ओरिजिन पर अपवर्ड मूविंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो है दैट इज़ द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की, तो हमने वहाँ पर देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू हर एक जो लेवल ऑफ आउटपुट जब सेल होती है या प्रोड्यूस होती है उस पर वो 10 10 10 है, तो कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो शो कर रहा है, अगर प्राइस यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि हर एक आउटपुट पर वो क्या है, सेम है। MR क्या है, 10 10 है। और एवरेज रेवेन्यू इज़ आल्सो 10, क्योंकि जो प्राइस ऑफ आउटपुट है वो चाहे 1 कमोडिटी सेल होती है तब भी 10 है, 2 होती है तब भी 10 है और 3 होती है तब भी 10 है। सो ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज़ शोइंग MR इज शो टू बी कॉन्स्टेंट बिकॉज AR प्राइज इज़ कॉन्स्टेंट। सो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया MR और AR कर्व का, एंड दिस इज़ द
रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जब परफेक्ट कंपटीशन में हम इन तीनों वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।